लोकसभा चुनाव का नतीजा तो आ चुका है, लेकिन अभी उन नतीजों पर राजनीति और भी होनी है। कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल भाजपा और एनडीए को रोक नहीं सके। भाजपा की सरकार भी बनी और एनडीए के मंत्रियों ने शपथ भी ले ली। इस बीच एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की एक पुरानी बात सबको याद आने लगी है, जिसमें ओवैसी ने कहा था कि लालू तेजस्वी भाजपा को रोक नहीं सकते। हुआ ये भी, चार सीटों पर राजद सिमट गया, लेकिन एआईएमआईएम को एक भी सीट नहीं मिली। इसी का बदला लेने का ऐलान असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। एक निजी मीडिया संस्थान से बातचीत करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिहार में हमने अपनी लड़ाई सीमांचल के इंसाफ के नाम पर शुरू की थी। पूरे भारत में ये इलाका सबसे पिछड़ा हुआ है। सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। लोकसभा चुनाव के दौरान लालू यादव, तेजस्वी यादव और राजद की भूमिका पर ओवैसी ने कहा कि इन्होंने हमारे चार विधायकों को खरीदा है। किशनगंज के पोलिंग के दिन लालू यादव ने वीडियो जारी कर कहा कि ओवैसी की पार्टी को वोट नहीं दो। ओवैसी लालू यादव और तेजस्वी यादव पर नाराज हैं। इसी नाराजगी में उन्होंने पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती के खिलाफ उम्मीदवार उतारे। ओवैसी की पार्टी को बिहार में सिर्फ 0.88% वोट मिले। अब इस नाराजगी पर ओवैसी का कहना है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के कर्ज है हम पर, इन्होंने हमारे विधायकों को खरीदा। प्रचार बंद होने के बाद हमारे खिलाफ वीडियो संदेश जारी किए। हम सभी कर्जों का भुगतान करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में ही करेंगे। ओवैसी ने यह भी कहा कि हम किसी का कर्ज रखते नहीं। बहरहाल आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।